गलती उन्हीं से होती है जो काम करते हैं। निठल्लों का जीवन तो दूसरों की बुराई करने में निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों, देवभूमि पेज को फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप देवभूमि जो पेज हैं, वेबसाइट है, उनको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो से हम बात कर रहे हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, इसके जो धार्मिक तथ्य हैं वो कुछ तथ्यों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कुछ तथ्यों के बारे में मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाके वहां से आप वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड जो धार्मिक व पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के पर्यटन स्थल सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं बल्कि तीर्थ स्थलों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड को देवभूमि कहने के धार्मिक तथ्य क्या क्या हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत की सबसे बड़ी वो पवित्र नदी गंगा, जमुना व सरस्वती का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है। नंबर दो, भगवान शिव का ससुराल जो था वो, यानी माँ पार्वती का मायका, उत्तराखंड के दक्ष प्रजापति नगर को कहा जाता है। महाभारत में लेखन महर्षि व्यास ने इसी देवभूमि उत्तराखंड में किया। जो महाभारत का लेखन था वो वेद व्यास जी ने उत्तराखंड की धरती पे किया। उत्तराखंड की संस्कृति व भौतिक विरासतों को आप दो भागों में देखेंगे, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में दो भागों में यहाँ की संस्कृति और सभ्यता बटी हुई है। दोस्तों, एक बहुत पौराणिक और कथा भी है जिसके बारे में जो उत्तराखंड है हमारा, उसको देवभूमि इसलिए कहा जाता है। इसका एक तथ्य ये भी है, देवराज इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने श्राप से मुक्त करने के लिए विष्णु ने इंद्रदेव को शिव का तप करने को कहा था। शिव तप से प्रसन्न होकर शिव ने देवराज इंद्र को कहा, मेरे नेत्र का जल सागर में डालो, उससे मंथन देवताओं को कल्प वृक्ष इंद्र को दे दिया। इस स्थान पर शिव कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह स्थान जो था वो कल्प वृक्ष नाम से प्रसिद्ध हो गया। वर्तमान में वह वहाँ पर कल्पेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले के उमरगम घाटी पर स्थित है। दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को उत्तराखंड के जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में, पंचप्रयाग, पंच केदार, इनके बारे में जानकारी दूंगा, ये और इस तरह से क्यों हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ धार्मिक तथ्य दूंगा। और अपने जो टेम्पल हैं, हमारे मंदिर हैं जो मुख्यतः प्रसिद्ध हैं, इसी कारण से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भगवान शिव के जो शिवालय थे बहुत पहले से निर्मित हैं। तो इसी ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे देवभूमि उत्तराखंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।